सोशल मीडिया पर जो सर्कुलेट हो रहे हैं, कुर्बानी के जानवर को रिडिक्यूल किया जा रहा है, इट इज हैपनिंग। पाया बिरयानी, भेजा मसाला, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं आप कुर्बानी? क्या ये टिक्का, पाया, तंदूरी चिकन, ये इसको प्रोपेगेट करने के लिए कुर्बानी थी? मैंने शुरू में ही बताया कि अल्लाह ताला को ये गोश्त और ये पोस्त और ये खून, इसकी हाजत नहीं है। तुम्हारा तकवा अल्लाह को पहुंचता है, तो क्या ये तकवा है कि आप कुर्बानी के उस जानवर को जिसको मेरे आका अलैहि सलातो तस्लीम फरमाते हैं कि उसके खुरों के साथ और उसके सींगों के साथ कयामत के दिन मैदान में लाया जाएगा और ये जानवर पुल सिरात पर तुम्हारे लिए सवारी का काम करने वाले हैं, आप उसके गोश्त और उसके टुकड़ों का मजाक उड़ा रहे हो? आप क्या करो? यंगस्टर्स, डोंट फॉल प्रे टू दिस प्रोपेगेंडा, मत करो ये सब। ये कुर्बानी के जानवर सहाबे किराम ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? तो मेरे आका ने फरमाया था, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जल्दी जल्दी ये मैसेज फॉरवर्ड करो, बिरयानी मसाला कुर्बानी, ये टिक्का, वो ये वो सब क्या कर रहे हैं आप? नॉनसेंस, इसी में पड़े रहोगे, कुछ काम कंस्ट्रक्टिव नहीं करोगे, वक्त को बर्बाद करोगे, रात के चार चार बजे तक ये मैसेजेस क्या कर रहे हैं? इस पर गौर कीजिए, अगर ऐसे मैसेजेस हैं इसको स्टॉप कीजिए, ऐसा मत कीजिए, इसको रिडिक्यूल मत कीजिए, इसको इसकी कदर कीजिए, इसको समझिए और लोगों को समझाइए। कुर्बानी के जानवर का एहतराम कीजिए, उसको लड़ाइए मत, उसकी फाइटिंग कराते हैं, बुल फाइट कराते हैं, सब सिंग टूट जाएगा, जानवर नाकारा हो जाएगा, पैर टूट जाएगा, गुदा निकल जाएगा, आंख निकल जाएगी, कुर्बानी के लायक नहीं रहेगा आपको। हम सबको, वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर वैलिड फॉर सैक्रिफाइस, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर नॉट वैलिड फॉर सैक्रिफाइस, हमें उसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, किताबें मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें। इसको सर्कुलेट कीजिए ना आप अपने ग्रुप्स पर, अगर करना चाहते हैं तो उलमा से ये मैटर्स लीजिए, हम लोगों से लीजिए, हमारे मुबल्लिगीन से लीजिए, एंड सर्कुलेट दिस कि इसका कैसा, कुर्बानी का जानवर कैसा हो, कुर्बानी के दिन कितने, कुर्बानी करना कैसे, कुर्बानी का मसनून तरीका क्या, कुर्बानी के जानवर की परवरिश कैसे की जाए, उसकी तकसीम कैसे की जाए, गोश्त को कैसे तकसीम किया जाए, कितने हिस्से किए जाएं, और उस हिस्से का भी तरीका कैसा हो, अंदाजे से करना है कि बराबर वजन करके करना है, क्या करना है, ये सब शरई अहकाम जब तक हम नहीं समझते। उसकी खाल का क्या करें, चमड़ा किधर दें, किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, कसाई को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, अगर उजरत में कसाई को उठा के चमड़ा दे दिया तो वो अदा होगा कि नहीं होगा, उसका हुक्म क्या होगा, यहाँ तक के जो फूल हार रस्सी जो आप गले में बांधते ना उस पर भी हुक्म है कुछ, कि वो रस्सी का भी क्या करना, इतनी गाइडलाइंस दी गई हैं, वो भी आप फेंक नहीं सकते उठा के, सब है।